ये हमजा भाई का शौक है, इधर करे हमजा भाई मुंह इधर करे इसका। ये क्या है इसकी मलक साहब का शौक है, ये बिल्ली चेक करें, ये चूहे। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबका, ठीक ठाक है। हमारा न्यू व्लॉग आज यहाँ से शुरू होगा। ये देखिए बच्चा पार्टी गेम खेल रही है, मैं घर पे हूँ, सारा दिन का बाहर निकला नहीं। माई दूध ले जाना, दे गया ला के देगा, चलो ओदी मेहरबानी। दूध लेने जाना था लेकिन चले दूध आ गया घर खुद ही चल के, मेरी आंख ही नहीं खुली, सोए रहो सारा सारा दिन। बिरयानी तैयार हो रही है आज, ये देखें। ये मेम साहब कौन सी बिरयानी है, चिकन डाला हुआ बीच में, बोटी नजर तो कोई नहीं आ रही। वाह 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 वाह, लत लत लत। ये अंडे शंडे चिप्स ऊपर जी। असर की नमाज पढ़ी है, वजू किया हुआ, चले मगरिब भी पढ़ लूँ उसके साथ ही। आज उठे ही बड़ी लेट हूँ, उठ जाता हूँ सुबह लेकिन फिर सो जाता हूँ। इधर असल में सोशल लाइफ नहीं है तो इसलिए व्लॉग्स करने के लिए मैं चीज़ें एक्सप्लोर करने नहीं जा सकता कहीं पे, डेली उठ के जाऊँ यहाँ पे वहाँ पे। ये मेरी डेली रूटीन के व्लॉग्स हैं, ये ऐसे ही हैं, जहाँ भी हो वहीं पर हो जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसके लिए मुझे कोई वो दुबई या बाकू या फिर थाईलैंड नहीं जाना। जब वहाँ पे जाना है वहाँ पे भी करेंगे व्लॉग, लेकिन ऐसे ही व्लॉग हैं। आपकी मेहरबानी, इसको ज़रूर देखा करें, लाइक कमेंट भी किया करें, क्योंकि इतनी इतनी फजूल चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं, इतने इतने फजूल व्लॉग के नीचे व्यूज़ होते हैं, हमारे क्यों नहीं होते। मैं दोस्त की तरफ आया हूँ, पाशा साहब की तरफ, मोटरसाइकिल के ऊपर, यावर पाशा, गुजरात की जानी पहचानी हस्ती। उन्होंने अब व्लॉग देखने शुरू किए हैं, उनको थोड़ा सा बिस्त बुस्त किया है, उनको शर्म आई है, व्लॉग देखने शुरू किए हैं, क्योंकि बंदा जब फेमस हो जाता है उसके बाद सब कहते हैं बड़ा सपोर्ट किया। इनसे ज़बरदस्ती सपोर्ट करवाई जा रही है, ज़बरदस्ती। इस तरह के दोस्त यार हैं मेरे यार, हद है, उन्हें रोटी पकावा सारे इकट्ठे कर लवा। सफदर भाई आ गए हैं बड़ी मुश्किल, 15 मिनट बाद आए हैं। मेरे घर आते हैं ना तो मैं 1.5-2 मिनट में बाहर आ जाता हूँ। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। तो इनको ना तो टाइम की कदर है ना बंदे की कदर है, पता नहीं कब आनी है। बाल सफेद हो गए इनकी, दाढ़ी मेरे से भी ज्यादा सफेद हो गई। और मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, इसको मैं लाहौर नहीं लेके गया तो ये मेरे साथ नाराज हो गया, और हमारी शूटिंग बंद हो गई है उस दिन की, जोड़ू का गुलाम ऊपर कहीं गायब है। आपको तनखा भी मिली है, ईद भी मिली है, आपने एक छट्टा भी नहीं फेंका हमारे ऊपर यार। ये देखे पुअर मैन, पुअर पूरे का पुअर पीपल, मैं साथ देख गया हूँ। ये मेरे भाई हैं, मेरे को स्टार भी रहे हैं, जब नाराज हो गए थे और उसके बाद शूटिंग बंद हो गई हमारी यार। मैं इनको राजी करने में नाकाम हो गया, मैं नाकाम हो गया उनको राजी करने में। ये हम लोग आ गए जी, मलक साहब ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा बाहर खड़ा किया, उसके बाद ड्राइंग रूम खोल दिया, ड्राइंग रूम बैठा दिया, तो टांगे दर्द कर रही थी पूर पूरे के राजा की भी और मेरी भी, गरीब आदमी की। ये बैठे हुए दोनों भाई, ये देखे अभी तक पानी का एक गिलास भी नहीं आया, ये देखे पता नहीं यार की हो गया इन्होंने साढ़े, बड़ा अच्छा महला थी, पानी पता नहीं कब आएगा। ये हमजा भाई का शौक है, इधर करे हमजा भाई मुंह इधर करे इसका। ये क्या है इसकी नस्ल कौन सी हमजा भाई, पर्शियन बिल्ली है जी, माशाल्लाह हमजा भाई ने रखी हुई, और दूसरी काली भी पकड़े, इनको रोटी भी डाला करें, आपके नजदीक ही नहीं आ रही। ये मलक साहब का शौक है, ये बिल्ली चेक करें, ये चूहे भी खाती हैं। तेरी हम लोग निकल गए मलक साहब की तरफ से, कुछ भी नहीं खाने को, कुछ भी नहीं आया, नहीं नहीं सिर्फ बर्गर बर्गर की आवाजें आई हैं, बर्गर भी नहीं आया। मेहरबानी करूंगा मैं, ये देखा ये मेरे बेस्ट बडीज है, ये मेरा अपना घर है, लेकिन खाने को एक पानी का गिलास भी उन्होंने नहीं। मेरी तरफ से मेहरबानी, मटन में मिर्चे कम डाला करें और नान मत मंगाया, मटन नहीं बिल्ली का गोश्त थी, मटन समझ के खा गया। बिल्लियां तो उन्होंने शिकार करने के लिए रखी हुई है, चूहे का था। ये हद कर दी मलक साहब ने, अपने शेख होने का सबूत दिया, चलें कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी, आमीन।